शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। हाँ हो तुम, यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। उसी का इंतजाम कर, बस आ गया। श्रद्धा के लिए धमाका। पर आपने वो चिट्ठी भेजकर मैं बहुत गलत किया है। आपको पता है उसे मेरी जान निकल गई थी। कैसी चिट्ठी और कौन सी चिट्ठी? अरे क्या आप जाइए ना। अरे मैं आती हूँ अभी। अरे पर आप जाइए। अरे 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 माफ कीजिएगा, सॉरी। यू ही क्यों है? क्या क्यों? ये इधर दे। अरे दीदी पर मैं इसे खेल रहा ना। इस बॉल से नहीं बबलू, बॉल वापस कर। दीदी दीदी छोड़ो ना दीदी। पर मैंने कहा ना बॉल दे बबलू। आज तक तेरी दीदू से कोई जीत पाया क्या? चल चले। बहुत खूब मेरे हुक्म के इक्के। अरे वाह, तुम्हें तो आज तुम्हारी माँ भी ना पहचान पाए। कुणाल, नया साल नई खुशियां लेकर आ रहा है, सब तैयार है ना? होश ही ना उड़ा दे तो कुणाल का धमाका कैसा। बस अब नए साल में ना श्रद्धा घर में वापस नहीं आनी चाहिए। ऐसी गायब होनी चाहिए कि सबको लगे कि दिल जीतने वाली ही दिल तोड़ गई सबका। नया साल सबके लिए नई खुशियां लेके आएगा सिवाय श्रद्धा के। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं लौटेगी। वैसे वो बॉल से अच्छा डराया था तुमने श्रद्धा, आइडिया अच्छा लगा। अब आगे आगे देखते हैं कि तुम क्या क्या करते हो। मेरा सबसे बढ़िया आइडिया तो अभी तुझे भी नहीं पता। वो तो सिर्फ हर काम में टांग अड़ाऊ श्रद्धा के लिए है। ऐसे कुछ भी मत खाना, ये ठीक नहीं है तेरे लिए। क्यों, क्या हो गया दीदू? आज दीदू को क्या हुआ? अजीब ही है। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग जरा इधर ध्यान दीजिए, एक प्यारी सी लड़की कुछ बोल रही है। अरे देखो भाई, आज यहाँ पर सिर्फ भोज भराई नहीं है, गेम्स भी है। तालियां। क्या और ये रहा हमारा गेम। तो चलिए बताती हूँ मैं कि इस गेम में करना क्या है। ये हमारा गेम है रंगों का गेम। इसमें है तीन तरह की पर्चियाँ, एक नीली, गुलाबी और एक हरी। अब इसमें करना क्या है, अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उन सबसे सवाल पूछती हूँ। अब जिनको लगता है कि वरुण भैया और कीर्ति भाभी को लड़का होगा, वो लोग कौन सा रंग चुनेंगे?
जिन लोगों को लगता है कि वरुण भैया और कीर्ति भाभी को लड़की होगी, वो लोग कौन सा रंग चुनेंगे? गुलाबी। भाई सबके सब इतने इंटेलिजेंट है। एक और सवाल, अब जो लोग बच गए हैं जिनको नहीं पता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, कंफ्यूज है कि क्या होगा, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो लोग चुनेंगे हरा रंग। तो चलिए सब लोग समझ गए ना, गेम शुरू करें। अरे तालियां तो बजा दो एक बार। तो अभी सबसे पहले कौन आएगा? कौन 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 कौन? ताई जी जाइए दादी माँ। हाँ जाइए जाइए। आइए आइए दादी माँ, निकालिए चिट। नीला नीला। और अब इसके बाद आएंगी मेरी प्यारी मम्मी। हाँ हाँ आप जाओ जाओ। आइए मम्मी तालियां तो बजा लो। और लेंगे गुलाबी। गुलाबी। अब हम बुलाएंगे हमारे सक्षम अंकल को। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का होगा। अब बारी है हमारे होने वाले दादाजी की, यानी कि हमारे ताऊ जी। ब्लू कलर। और अब बारी है होने वाले बच्चे के पापा जी की, यानी कि मेरे वरुण भैया। आइए वरुण भैया। चलिए वरुण भैया देखते हैं आप क्या चूज करते हो। निकालो निकालो। हरा। हरा कलर। वो इसलिए कि लड़का हो या लड़की, मैं उसे उतना ही प्यार दूंगा। अब बारी है सोनिया, तुम भी आ जाओ। तो सिर्फ एक ही इंसान है, मेरी प्यारी बुआ जी। आइए बुआ जी, हमारी प्यारी बुआ के लिए तालियां। वैसे अधिकतर लोगों ने नीला चुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि घर में छोटी सी नन्ही सी लक्ष्मी आए। अरे श्रद्धा कहाँ गई? श्रद्धा भाभी वहाँ पर है कीर्ति भाभी के साथ, अभी लेकर आती हूँ। चलिए श्रद्धा भाभी, आपके बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए आओ आओ। अरे निकालो निकालो चिट निकालो। हरा रंग। अच्छा ये गेम खत्म, अब मैं तैयारी करती हूँ दूसरे गेम के लिए। तब तक आप लोग खाओ पियो एंजॉय करो। चलो किया। अभय मैं आपसे कह रही, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें कुछ भी करके ये सब कुछ बंद कर। पहले तुम्हें यहाँ आना नहीं था, अब तुम्हें खेलना नहीं, दूसरों का मूड क्यों खराब कर रही है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभय अरे होने वाले चाचू कहाँ चले, अभी खेल बाकी है। क्यों आ रहे? अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, इतनी जल्दी क्या है जाने की। और आप सब लोग भी आइए, कीर्ति भाभी के पास चलते हैं ताकि हम नया अपना गेम शुरू कर सके। आओ आओ सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया गेम। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस गेम में करना क्या है।
मैं पूछूंगी एक सवाल आप सब से, जिसका जवाब देंगी हमारी कीर्ति भाभी। इस बोल में से एक चिट निकाल कर। तो सब समझ गए, तैयार? तो मैं पहले एक कार्ड बांट देती हूँ आप सबको। ये लीजिए, ये आपका, ये आपके लिए, ये तुम्हारे लिए। चीटिंग नहीं करनी है, नंबर दिखाना नहीं है किसी को। तो चलिए सबसे पहला सवाल, आखिर वो कौन है जो होने वाले बच्चे को सबसे ज्यादा लाड करेगा? कीर्ति भाभी जवाब दीजिए। पांच नंबर। पांच नंबर किसके पास है? मैं। वरुण भैया। लाड का तो पता नहीं, पर सबसे ज्यादा बच्चे को बिगाड़ेंगे। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए चलिए दूसरे सवाल की बारी। दूसरा सवाल, आखिर वो कौन है जिसकी गोद में जाते साथ ही बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा? कीर्ति भाभी जवाब दीजिए। सात नंबर। सात नंबर किसके पास है? सात नंबर। अरे सात नंबर तो हमारा है, दादी माँ। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर माँ की गोद के बाद किसी गोद में बच्चे को सुख और सुकून मिलता है ना, तो वो दादी की ही गोद होती है। अब अगले सवाल की बारी। होने वाले बच्चे के नामकरण की जिम्मेदारी वो किसकी होगी? चलिए कीर्ति भाभी जवाब दीजिए। दस नंबर। श्रद्धा भाभी तो बस अब तो तय है कि बच्चे का नामकरण चाचा चाची ही करेंगे। हाँ बस मेरा खेलना खिलाना हो गया, मैं जा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो हेलो। Thank you.
चाहते कि हम जो भी चाहे वो हमेशा हमें मिले। मैं बस चाहता हूँ कि हमारा परिवार हमेशा साथ हो और जल्दी से घर में बच्चे की हंसी हो जाए। सोचा ही नहीं था तुम्हारे साथ ये मुलाकात शायद आखिरी हो। मैं बस चाहता हूँ कि श्रद्धा तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। मैं जानती हूँ कोई अनजान खतरा मंडरा रहा है मेरे परिवार पर। सब ठीक रहे, कोई नुकसान ना हो, बस इतनी दया बनाए रखिएगा माता रानी। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं है। लीजिए, अब इस समस्या का समाधान तो हमें ही करना पड़ेगा। अरे हमारी बहू कीर्ति के लिए किसी ने इतना अच्छा तोहफा भेजा है तो इसे खोलकर देखने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। चलिए देख ही लेते, क्या पता किसी ने इसमें कुछ लिख कर ना भेजा हो। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, गोद भराई की शुरुआत इसी तोहफे से करते हैं। हाँ, ये भी सही। नया साल, नया मेहमान और नया धमाका। परिवार में खुशी का धमाका होगा या धमाके में उड़ेगा परिवार। हम खोलते हैं। कीर्ति, क्या हुआ दीदू? ओ श्रद्धा, क्या बात है? नहीं, बात मानिए, अभी के अभी आप लोग पीछे हट जाइए। हट जाइए और इसे हाथ मत लगाइए, इसमें खतरा है। क्या है इसमें? और बहुत डर लग रहा है। आज इसका बर्ताव कुछ कुछ अजीब सा है। क्या बात है? श्रद्धा संभाल के। माँ की गोद में ये प्यारा सा गुड्डा। दीदू, क्यों हर बार हमारी हर खुशी को बर्बाद करना चाहती हो आप? देखा नहीं जाता ना आपसे कि कैसे हम आपसे छोटे होके आगे बढ़ गए। हम
हमारी हर खुशी को आंसू में बदल देते हो आप। किस्ती? नहीं पापा, नहीं। आज आप दीदू की तरफदारी नहीं करेंगे। आपको पता है ये सारे लोग झूठ बोल के गोद भराई की रस्म कर रहे हैं ताकि आप घर वापस आ जाएं, पर आप है कि इतना क्या जलना दीदू कि हमारी एक पल की खुशी भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात कर रही है तू कीर्ति? मैं जलूंगी तेरे से? तेरी खुशी में क्या मुझे खुशी नहीं मिलेगी? यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। कब से सबको यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सबने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुमने कीर्ति की गोद भराई का शगन वाला गुड्डा अपने हाथ से फेंका है। सोनिया, दूसरों के मामले में बोलने में ना तुम्हारा मुंह बहुत जल्दी खुलता है। चुप रहो। इसने तुम्हें हर डांट हर मुसीबत से बचाया, ये चलेगी तुमसे? तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आई? अगर इसने कुछ किया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। कीर्ति शांत रहो, गुस्सा करना तुम्हारे ठीक नहीं, प्लीज। कीर्ति बेटा, बेटा अब ये सब यही खत्म करते हैं और गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। आज आई 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 क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं महसूस कर सकता हूँ। पहले तो माना नहीं चाहते थे, फिर आ गई। अब ये सब ठीक तो है ना? अब है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ कोई ना कोई खतरा है, हमें दिख नहीं रहा अभी, पर खतरा है। खतरा? तुम्हें किसने बोला? ये देख रहे चिट्ठी, ये मुझे किसी ने वहां खिड़की से भेजी। कहा था ना कि श्रद्धा कभी दोबारा तेरे रास्ते में ना आए, कभी नहीं आएगी। कुणाल क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ कुणाल अपने काम की सफाई किसी को नहीं देता। तुझे जाना श्रद्धा के पास। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।